नमस्ते दोस्त, मैं शैलेंद्र जेठीवाल एक्सेल ऑनलाइन सर्विसेज का फाउंडर पिछले 24 वर्षों से ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। एमपी ऑनलाइन में आने वाली समस्याओं को लोगों को अवगत कराने के लिए मैंने अपने इस चैनल का शुभारंभ किया गया है। इसमें मैं बच्चे, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉय और सभी लोगों को जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूंगा। आज मुझे एक नई समस्या सामने आई है। जो समस्या है या नहीं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर अवश्य बताइएगा। एमपी ऑनलाइन ने कुछ समय से अपने डैशबोर्ड पर एक विशेष रूप से निर्देश दिया है कि आप 50,000 तक का टॉप अप तो ले सकते हैं, किंतु 9,999 से अधिक का नगद भुगतान अब एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर संभव नहीं हो सकेगा। जी हाँ, आप अगर किसी प्रकार की फीस के लिए कस्टमर से फीस ले लेते हैं और अपने टॉप अप वॉलेट में डाल लेते हैं, वॉलेट में आने के बाद ना तो ये पैसा निकल पाएगा, ना आप इसे कस्टमर को रिफंड कर पाएंगे, ये पैसा आपका अटक जाएगा। इसलिए आज से ही सावधान रहें। ये घटना आज मेरे साथ भी हो सकी है। आज तुरंत ये एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि सभी कियोस्क भाइयों को ये पता चल सके कि आने वाली सभी सर्विसेजों में ऑनलाइन भुगतान संभव नहीं होगा। इसका मैं लाइव आपको अभी उदाहरण दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हम चलते हैं एमपी ऑनलाइन की सर्विस पोर्टल पर। ये देखिए, एमपी ऑनलाइन ने यहाँ पर सूचना दे रखी है कि वॉलेट में एक बार से 50,000 रुपये तक की राशि का टॉप अप किया जा सकेगा। नॉर्मली देख नहीं पाता है और 50,000 की राशि बिना सोचे डाल देगा, और डालने के बाद जब वो अपने वॉलेट में अमाउंट देखेगा और अमाउंट आ जाएगा, जैसे कि मेरे यहाँ वॉलेट में मैंने अमाउंट 47,000 अपलोड कर लिया है, किंतु मैं जब सर्विसेज के लिए जाता हूँ और डीएबी की साइट से कुछ पेमेंट करना चाहता हूँ तो ये आगे जाकर मना कर देगा। देखिए, मैं आपको लाइव बताता हूँ। DAVV.MPonline government.in पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फीस भरने के लिए, डीएवी की सेमेस्टर फीस है जो कि एक स्टूडेंट की है, जानकारी 5th सेमेस्टर की है। यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा और मैं अपने क्योस आईडी जो कि यहाँ शो हो रहा है उसी से इसकी पेमेंट करने की कोशिश करूंगा, पर वो मुझे करने नहीं देगा। यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया है, कोर्स और उसकी डिटेल आ गई है, टोटल फीस आ गई है 46,712 इसकी टोटल फीस है, इसको मैं पेमेंट करने की आगे कोशिश करूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैश पेमेंट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो गया है। पे यूजिंग पेटीएम और क्यूआर कोड ऑप्शन ही यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि बहुत ही आवश्यक सूचना है, क्योंकि आपने अब पेमेंट तो ले लिया है और वॉलेट में चला गया है। अब आप ना वॉलेट से निकाल सकते हैं, ना पेमेंट कर सकते हैं, और एमपी ऑनलाइन में वॉलेट में आया हुआ पेमेंट रिफंड करने की कोई पॉलिसी या कोई टॉप अप कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर पेमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन शो होगा जो कि पेटीएम का बार कोड है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेटीएम का पेमेंट गेटवे का
बारकोड आ गया है जिसमें जो फीस भरना है उसकी डिटेल, चैनल आईडी और एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है, पर यहाँ कहीं भी अल्टरनेटिव कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब कियोस्क को अपने वॉलेट से पेमेंट नहीं करने दिया जाएगा और कस्टमर यहाँ पर बारकोड से स्कैन कर कर पेमेंट कर देगा। अगर आप भी इस तरह की समस्या से जुड़े हैं तो आज ही एमपी ऑनलाइन पे अपनी समस्याओं को बताकर टॉप अप कैंसिलेशन का ऑप्शन तुरंत डालने की निवेदन एंड कंप्लेन करें, क्योंकि टॉप अप डालना तो अपने हाथ में है पर उसे कैंसिल करना अपने हाथ में नहीं। और इस तरह की बड़ी राशि जब वॉलेट में आ जाएगी और एमपी ऑनलाइन में कोई सर्विसेज नया होने के कारण हमारा और कस्टमर का दोनों का पैसा उलझ जाएगा। इस समस्या को देखते हुए मैंने तुरंत ये वीडियो आज लॉन्च किया है और आज इस वीडियो को मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखें, इस समस्या का हल एक ही है, टॉप अप कैंसिलेशन, जिसके लिए हमें एमपी ऑनलाइन को तुरंत कंप्लेन कर कर इस टॉप अप कैंसिलेशन ऑप्शन को जुड़वाना होगा, ताकि गलती से या इस तरह के बड़े टॉप अप को करने के बाद हम उसे तुरंत कैंसिल कर कर वेरीफाई कर कर हमें अपना वॉलेट में से पैसा निकाल सकेंगे। टॉप अप कैंसिलेशन बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम लोगों को 20 रुपए के पीछे 46,000 रुपए का नुकसान या 50,000 तक का नुकसान हम कहाँ से भर पाएंगे हमारी इस समस्या को। 46,722 जैसा बड़ा अमाउंट रिफंड करने के लिए ना हमारे पास कैश होगा, और छोटे कियोस्क जो 50 50 100 100 500 500 रुपये के ट्रांजेक्शन करते हैं वे इस तरह के ट्रांजेक्शन में उलझ जाएंगे। अगर कस्टमर से ऑनलाइन पैसा लेकर वॉलेट में डाल लिया है और वॉलेट से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लेवे, और इस तरह की YouTube पर हमारी चैनल पर हम विशेष सेवाएं देते रहेंगे। धन्यवाद।